अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रमजान बिल्कुल आने वाला है, आई एम अज्यूमिंग मे बी आज हो जाए, कल हो जाए, अनाउंसमेंट का वेट करते हैं। सच बताऊं तो यार बड़े दिल से मैं दुआ कर रहा था कि आज ही हो जाए ताकि रमजान का जो फ्लो है ना वो आज से स्टार्ट हो जाए। जो रमजान का पहला दिन होता है ना उसमें समझ नहीं आती कि सोएं के जागें। ऑल्सो इन अदर न्यूज, क्योंकि रमजान स्टार्ट होने वाला है तो हमने सोचा कि व्लॉगिंग की गेम को वापस ऊपर लेके जाया जाए। गाइस ये हमारा कैमरा है, इसके साथ हमने ये छुटकू सा लेंस आपको नजर आ रहा है, ये एक क्रॉप सेंसर कैमरे का लेंस है, ये हमने मंगाया था। ये जो माइक है ये हमने छोटू वाला लगा लिया। हम कोशिश करेंगे इससे भी छोटू माइक लेके आए ताकि हमारे जो व्लॉगिंग सेटअप है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट से करें। काफी लोग बोलते हैं कि मे बी फोन वाली बेहतर होती है, बट इन माई ओपिनियन मुझे जरा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, तो भाई ने ये लेंस मंगा लिया। भाई ने बोला कि यार अपना हम ऐसे करेंगे ऐसे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, कैसे हैं, ये इससे करेंगे ताकि वीडियो भी अच्छी आए, ऑडियो भी अच्छा। इतना बड़ा माइक लगेगा तो ऑडियो तो आएगी। हमने यहाँ पे अपनी बैटरी शैटरी का बैकअप शैकअप इंतजाम भी कर लिया है, प्रॉपर व्लॉगिंग सेटअप रेडी है। तो बस यकम रमजान से कोशिश करेंगे, प्रॉमिस नहीं, क्योंकि फिर प्रॉमिस ना तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी नागा भी हो जाता है। तो अभी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एवरी डे या एवरी अदर डे हम व्लॉग करते रहें, तो देखते हैं। ये तो खैर टाइम ही बताएगा कि कैसे होता है, मसरूफियात पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उम्मीद है कि आपका भाई आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेगा। चलें जी, रेडी? Yes. अम्मा चलें? हा? चलो ना। नहीं मैं नहीं जा रही। साथ चल, नीता चलो ना। मैं नहीं जा रही, मेहमान आने वाले। हाँ अभी तो टाइम ही नहीं उन्होंने बताया, आज ना वो वहाँ जाम जा रहे हो ना, देर लग जाएगी, पता है ना, तो फिर आएंगे आज ही शाम तक। तो अम्मा फिर हम इसे डन करके आगे, फिर हम डन तो करके आगे, तो बात नहीं, तुम लोगों की चॉइस सब अच्छी, मुझसे भी अच्छी है। रेडी हो? चले। वैसे किचन भी जरूर होना चाहिए। हमारी अम्मा की इस बात से आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि बात किस बारे में हो रही है और हम क्या करने जा रहे हैं। सीन ये है गाइस कि मे बी आई थिंक 6-8 महीने हो गए होंगे, हमने एक वीडियो बनाई थी कि वे फाइनली बाइंग अ हाउस एंड एवरीथिंग। तो कभी कभी चीजें उस तरीके से नहीं जाती जैसे आपने प्लान किया होता है, तो अभी हमने वैसे ही सोचा कि आई थिंक खड़ी हुई है यार। डैडी लेके जा तो रहे हैं प्लीज। तो डैडी अब जब निकलेंगे तो निकलेंगे, अभी निकल ही लेते डैडी, मीरा में चल लेते हैं। नहीं अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द टॉप, तीन ये है कि घर बड़ा जरूरी होता है, इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा हमें है। गाइस घर बहुत महंगा होता है, ठीक है, इसका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो लोग हमें ये देते हैं कि वैस्कोट कंप्लीट करने दो, वैस्कोट ड्राई क्लीन करानी है, नहीं मुझे नहीं करनी करा लेंगे। नहीं अच्छा, इसका काउंटर आर्गुमेंट हमें लोग देते हैं कि आप घर नहीं बनाते, आपने 6-6 गाड़ियाँ अपने पोर्च पर खड़ी की हुई हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि यार मतलब गाड़ी तो नेसेसिटी है, ऑलमोस्ट हर बंदे के लिए एक गाड़ी है। ये एक ये खैर ये तो बिल्कुल शोरूम ही बना हुआ है। सो 1, 2, 3, 4, 5 और वो एक छुटकू, इसमें 1-2 वैसे वाकई थोड़ी अननेसेसरी भी हैं। अननेसेसरी इन अ सेंस के कभी कभी खड़ी रहती हैं, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन बिल्कुल फालतू तो नहीं है। अब हमने ये सोचा कि यार हमारा पहले भी प्लान था घर बनाने का, कड़की हो गई है रियली तो, ली थी तो वो वही जा रहे हैं। हाँ मैकेनिक डैडी चलाते हैं ना, डैडी बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं गाइस, तो मैं रिक्शा चला रही हूं कोई लिटरली। तो अब सीन ये है कि हमें शुरू से पता था, मतलब हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि आपको घर बनाना है, लेकिन अब हर दफा सिचुएशन सेम नहीं रहती, हर दफा फेवरेबल नहीं रहती। तो इस दफा हमने सोचा कि यार जरा ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इसको जरा पूरा किया जाए, जाहिर है अपने घर में शिफ्ट हुआ जाए। मतलब हमें रेंट के घर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं पता कि वैसे अपना घर इतना ग्लोरीफाइड पाकिस्तान में क्यों है। हाँ जो हालात पाकिस्तान के चल रहे थे उसके हिसाब से तो घर वर लेने से बेहतर गाड़ी लेना है। अब सीन ये है कि हम जा रहे हैं DHA। DHA क्यों जा रहे हैं, हम DHA में घर नहीं ले रहे। हमने 2-3 प्रॉपर्टी वालों को फ़ोन किया, हमने बोला भाई हमें घर दिखा दो। अब वो घर देखने की वजह है, हाँ हो सकता है मे बी अगर बहुत ही कोई आउट क्लास किस्म का हो हमें पसंद आ गया तो मे बी इनको DHA नहीं अच्छा लगता गाइज, इनको इनको वही वाली वही हमारी पुरानी लॉजिक के DHA बैरियर टाउन का मतलब है कि आपको वीजा लेके जाना पड़ता है, दूर बहुत है, दूर मतलब इन द सेंस कि अगर आप बैरियर टाउन DHA में रहते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन हमारा ज्यादा जो रेडियस है वो मेन सेंट्रल इस्लामाबाद होता है, इसलिए इनको समझ नहीं आता हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस एक अच्छा घर चाहिए। तो गाड़ी चला के आना पड़ेगा ना यहां। हाँ वैसे गाइस देखें वो ना ड्राइव बहुत लंबी होती है, यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे तो घर बहुत महंगे हैं, मतलब अब तो ऐसे हो गया जैसे 11 करोड़ 12 करोड़ ऐसे, जैसे करोड़ तो मजाक है, यूं करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20-30। तो हमने सोचा कि भाई
यहाँ तो हम नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, तो अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। खैर ये चीज जाके जरा चेक करते हैं घर, वहां पे बिल्कुल नए बने हुए थे, तो जहाँ पे नए घर बने हमें नक्शे नहीं समझ आ रहे, हमें घर नहीं समझ आ रहे, बिकॉज आपको क्या पता कि 16x17 का कमरा कितना होता है या 10x12 का किचन बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो हमें नहीं पता, हमें ये चीजें आर्किटेक्ट तो नहीं है, तो इसीलिए अब हम जरा DHA जा रहे हैं। DHA में जाके देखते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी वाले भाई को अलाइन किया हुआ था, तो उनको हमने बोला कि हम निकल रहे हैं, पहुंचने में भी घंटा लगेगा, तो वहां जरा पहुंच के फिर आपको भी घर दिखाते हैं, देखते हैं। ये है गाइस DHA ना जाने की वजह कि हम क्यों नहीं जाते, और क्यों मैं बोलता हूँ कि वीजा लेना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे ये ठीक ठाक जैम है और काफी देर से और काफी देर तक है। तो गाइस ये है पहला घर, यहाँ पे हम जरा अब एक्सप्लोरिंग करते हैं, क्योंकि वैसे बाहर से फ्रंट से तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। गाइस हमारा ये नहीं पता, ये भी पूछना पड़ेगा, लग तो मुझे कनाल से बड़ा रहा है। ये डाइनिंग है, ये विंडो है कि, अच्छा हाँ नहीं ये ओपन है, नहीं शीशा है। अच्छा ये गाइस पाउडर रूम है, ये किचन तो अच्छा है, सफिशिएंट डर्टी किचन है ना। यस अभी मैं पूरी खड़ी है यहां पर, यू लाइक कनाल है यार, मुझे लग रहा था बड़ा डर्टी 50-90 कनाल ही। आप लोग के लिए जी जी, ये लाउंज है, ऊपर हाइट काफी है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये है एक सिंगल यूनिट हाउस, नॉट डबल यूनिट हाउस। अच्छा ही नहीं है यार वो। अच्छा गाइस ये एक बेडरूम है, यहाँ पे ये अलमारियाँ मेरे ख्याल से बड़ी कंजूसी से बनाते हैं लोग। ये बाथरूम है, डायमेंशन भी पता लगी 8x8, बट इट्स अ वेरी डिसेंट साइज फॉर अ बाथरूम, अच्छा लग रहा है। अच्छा ये दूसरा बेडरूम, एंड गाइस हमारे तो घर वालों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, एंड इसका बाथरूम थोड़ा सा बड़ा है, बट आई लाइक्स। ये सीढ़ियों से ऊपर आके ये स्टोर है, एंड यहाँ पे जाके एक कमरा आता है जो कि सनरूम बोलें बेडरूम बोलें, ये वैसे थोड़ा सा बड़ा है कमरा, एंड क्योंकि ये सिंगल यूनिट है तो यहाँ से इसलिए काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से एक और, हाँ ये एक और बेडरूम है, एंड ये वार्डरोब एंड बाथरूम। इस घर में है बेसिकली 5 बेडरूम, बट प्रॉब्लम है सिंगल यूनिट है। एंड ये रहा दूसरा कमरा, एंड हाँ सेम बने हुए हैं, जैसे नीचे बने हुए वैसे ऊपर बने हुए हैं। ये लाउंज है, तो टीवी कहाँ आएगा, टीवी कहाँ आएगा, हाँ अच्छा हाँ हाँ लेकिन ऑड लगेगा यहाँ से और ऊपर। अब ये क्या है, अच्छा जी बताएं, पैसे नहीं है। सो गाइस इस घर की जो डिमांड है ना वो है 13,80,00,000 रुपए, जो जस्टिफाई भी नहीं करती, बट आई एग्री इज़ वेरी फैंसी वेरी नाइस, बट आई स्टिल फील इट्स वे टू मच फॉर द हाउस, इतने का वर्थ नहीं है। लाइक हमारे अब्बा ने हमें मैथ समझाई है, उसके हिसाब से काफ़ी महंगे है। नहीं तो फिर डेट नहीं क्यों आए हम लोग, इंस्पो लेने, इंस्पो याद कैसे रहेगी हमें, लाइक प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, और देखते हैं। ये वैसे हमारे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है, बोलो बंदा रहने के लिए घर बनाते हैं, प्रैक्टिकल सिंगल यूनिट रहना ही है सारी जिंदगी प्रैक्टिकलिटी के लिए। गाइस सीन ये कि जो हमने अभी घर देखा, जो आपको दिखाया, वो हमें पसंद तो बहुत आया, कुछ चीजें होती है ना जो आपको ड्रामों में फिल्मों में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, प्राइस बहुत ज्यादा है। हम इंस्पो तो लेने आए थे, लेकिन कंसिडर भी किया जा सकता है, लेकिन कोई सेंस बनती है ना, कोई प्राइस की भी सेंस बननी चाहिए,
ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपए यार, सॉरी 14 करोड़ रुपए, डज नॉट मेक सेंस। सिंपल मैथ्स हमारे अब्बा ने समझाई थी कि भाई जितने का प्लॉट है आप प्लॉट की जो वैल्यू है उसमें कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ऐड करें और जो भी जायज प्रॉफिट है मंदे का वो ऐड करें, तो उसके हिसाब से भी मैथ्स नहीं बैठते, कुछ 4-5 करोड़ रुपए का डिफरेंस आता है, विच डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। अब ये भाई हमें दूसरा दिखा रहे हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल घर दिखा दें जो फॉर रेंटल पर्पज भी यूज हो सके, जो बिकने में भी आसान हो, वैसी मतलब बेचना तो नहीं है लेकिन होना चाहिए ऑप्शन हमेशा, तो अभी वो देख रहे हैं। एंड अब वो उतना फैंसी नहीं होगा, प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा होगा। जरा ये देखते हैं, ये आई थिंक सेक्टर कौन सा है यार, दूर से कैसे हमें भी नजर आ रहा है, ये रहा छोटू। हम कहाँ जा रहे हैं हमें खुद समझ नहीं आ रहा और हमें बहुत जोर से भूख भी लग रही है हम सबको, एक्चुअली इनको थोड़ी ज्यादा लग रही है और फिर मुझे लग रही है, फिर हमना को लग रही है। अच्छा ये वाला जो घर है ये इनको बाहर से देख के इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा, बट नॉट बैड, सोलर भी लगा हुआ है, लेकिन अगर कलर्स डिफरेंट हो ना तो फिर बेहतर लगेगा। जैसे ये अभी ब्राउन बुरा लग रहा है, अगर यही ग्रे होता तो ये बेहतर लगता घर। एलिवेशन बुरी नहीं है और ये जो दरवाजे पे पौधे बनाए हैं वो बुरे लग रहे हैं। चलें ये वाला देखते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा। 3 गाड़ियों की पार्किंग होगी, ठीक है। अच्छा ये आप बंद करके रेंट पे दे सकते हैं। ये है और ये जो है ये बहुत जबरदस्त ड्राइंग डाइनिंग हो गई, टॉप ऑफ द लिस्ट है ड्राइंग रूम। एंड ये रहा डाइनिंग रूम, यहाँ से अच्छा ये गेस्ट रूम है और बाथरूम, सही है, ठीक हो गया। अच्छा ये डर्टी किचन और ये इन्होंने लॉन्ड्री भी बनाई है, ये डर्टी किचन लॉन्ड्री, सही, ये कपड़ है, ये मशीन है, ये लॉन्ड्री है, ये ऊपर आयरन करने के लिए हो गया जगह सारी, ठीक है। ये दूसरा बेडरूम है जी, ये सही है, लेकिन ये मास्टर है कि नहीं, ये इसमें टप लगा हुआ है। अच्छा देख लीजिए, अच्छा इसका बाथरूम भी बड़ा है, एंड अच्छा थर्ड वन है नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम है, ठीक है। ये बड़ा लग रहा है जी, ये बेडरूम थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये बड़ा है वो उसमें, लेकिन ये कि उसमें उन्होंने जकूजी लगा दिया, सही सही बिल्कुल सेम नक्शा है ऊपर भी। एंड ये है कि उसका ओपन किचन, इसका भी ओपन है लेकिन वो साफ अच्छा आती है, अच्छा अच्छा वो जो है नीचे वो कंपनी सही, वो ज्यादा प्रॉपर। और ये बाहर बैठने की जगह पैटियो टाइप, चलें दो ऊपर। अच्छा गाइस ये वाला तो घर हमें नहीं अच्छा लगा इनको, एंड ये वाला घर उस पिछले वाले घर से आपको अच्छा लगा? नहीं हमें, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। ये वाला तो घर तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और प्लस ये पिछला जो हमने घर देखा था उससे भी ज्यादा महंगा था। अच्छा ये एक अलग घर देखने आए हैं और ये तो इनको आते साथ ही देखने में ही अच्छा लगा, ये वाला घर। वो अंकल ने मुझे फिर वो बोला कि नहीं नहीं आप रिटेन हमने में कहो हम नहीं बनाते, लेकिन ओवरऑल हमें घर काफी अच्छा लगा। तो ये द हाउस आई रियली लाइक द एलिवेशन, जो प्राइस थी फिर मुझे वो फिर भी समझ नहीं आ रही ना, आई डोंट नो कि मैं शायद, लेकिन जब बात इतने करोड़ों की है और आपके 70 करोड़ हैं भी नहीं तो आप क्या करेंगे, फिर आपको महंगे लगेगा जाहिर है, लेकिन ओवरऑल 7 बेडरूम दे, 7 बेडरूम वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल्सो बेडरूम बड़े बड़े भी थे, सो लाइक यू नो लाइक मतलब कनाल के घर में आराम से आप बना सकते हो 7, आप रेंट पे देख सके या इस तरीके का, बेसिकली कुछ लाइक इस तरह का प्रैक्टिकल अप्रोच हो, सो अच्छा करता, बट अगेन वेरी महंगा गाइस। ऐसे भूखी बीवी को कभी भी मत लेके आए करें बाहर, क्योंकि ये बन गई है भाई शार्क, और ये पीछे शार्क एक और बनने वाली है, तो कुछ
खोला भी नहीं है बेचारी ने। उसकी तो चलो दोस्त का घर है, वो तो चिलिंग्स कर लेगी। खाना खाने चले पहले छोड़ू? उसको भी लगी है भूख। बस भाई डीएचए के जितने घर देखने थे वो देख लिए। एक और घर है, डैडी ने भी भेजा कि वहां देखा जाए। तो क्योंकि हम एक भूखी बहन और भूखी बीवी के साथ आए हैं तो वो उनका मूड खराब होना शुरू हो गया, तो हम जरा यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके। ये वाला ये हॉट एंड स्पाइसी, हमारी भी थोड़ी हालत ऐसी हो रही है तो इसलिए हमने प्रॉपर्टी डीलर्स बोला भाई एक्सक्यूज मी आज के लिए लेट्स रैप दिस अप, एक और डीलर वेट करें तो हम पहले खाना खा लेते हैं। माशाल्लाह रमजान आने वाला है तो गाइस हमें पानी भी मिला, सुन्ना वाटर, नॉट नेस्ले, नॉट एक्वाफिना, बट सुन्ना वाटर। भी डाउन हो रहा था और थोड़ा बेहतर हुआ है। हमने रोड पराठा भी मंगाया, हमने बोला कि फ्राइड ना बनाए चपाती में बना दे, उन्होंने हमें ये दे दिया, तो हमने फिर सेम बट डिफरेंट ऑर्डर कर दिया। अब बेहतर है, तबीयत बेहतर है, बेहतर। तो गाइस वी फाइनली बैक एंड वापस आते साथ ही ब्राउन चिकन एस्प्रेसो का भी नाम सुना है आपने? ये आपका बड़ा सिंपलीफाई करेगा आपके लिए चीजें, और ये जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे। ये क्या है ब्राउन चिकन, आप क्या बना रही हैं? ब्राउन चिकन, इट्स ब्राउन शुगर शेकन एस्प्रेसो। होता क्या है, नाम से नहीं समझ आ रही। ब्राउन शुगर कॉफी, वेयर इज द ब्राउन शुगर नाउ? मुझे लग रहा है हमारे पास नहीं है। हमारे पास ना ये बड़े क्यूट क्यूट हमने ऑर्गेनाइज किए थे, ये पूरा एक दिन लगा के हमने इसको, ये यहाँ पे भी स्टिकर और यहाँ पे भी स्टिकर। क्या हम ये नहीं करो? जब गाइस देखें, जब भाई आपका हेल्प करता है तब उस हेल्प की कोई कदर होती नहीं। मतलब यार ये मतलब इंसाफ की कोई बात होती है। ये देखिए यहाँ पे हमने ना ये सारों में, अब ये खैर यहाँ पे खरारा बहुत हो गया। हमने ये मतलब उस हम में हमारी 20% तो हेल्प होगी। अच्छा जी आपकी रेसिपी क्या है? मैंने वैसे इतना बोला था कि शॉर्ट मैं निकाल देता हूँ, इससे अच्छी शॉर्ट निकलेगी, इससे अच्छी शॉर्ट निकलेगी मेरी। इससे माय गॉड, उसने रेसिपी में बोला था कि उसी को ऊपर पोर करना है। स्केल कहाँ है? स्केल इधर ही था, तो ये देखिए कहाँ है। अच्छा ये रहा, चलो दूसरा शॉर्ट निकाल लेते हैं। गाइस रेसिपी नोट करें प्लीज, और ये जरूरी नहीं है कि आपको ये वाली कॉफी लेनी है। अगर आपका इंस्टेंट कॉफी है तो आप इंस्टेंट कॉफी भी ले सकते हैं। सो वैसे उसूलन पहले चीनी डालनी थी लेकिन उन्होंने ऊपर चीनी डाल दी। अब ये दूसरी शॉट है, ये दूसरी शॉट, अब ये मेल्ट होगी और इसको बाद में मिक्स करेंगे। अब इसको मिक्स करो। जैसे बोला था इसमें सिनेमन भी डालना है, बट नहीं यार सिनेमन जरा नहीं है। और इससे बड़ा चम्मच नहीं मिला था मिक्स करने के लिए। अभी तो सही गेम्स गाइस स्टार्ट होंगी। लाल ड्रिंक्स है ये, वैसे ना बारटेंडर्स के पास मैंने देखा है हमेशा, बारटेंडर्स लेके फिरते रहते हैं, इसको मिक्स करते रहते हैं, मिक्स करके डांस करते हैं। तो हम तो हलाल हलाल करेंगे, सो कीपिंग इट हलाल। और इसके अंदर डालें, इसको खोलूं? दूध है पहले क्या इसमें? नहीं ना, दूध बाद में डालना है रेसिपी के मुताबिक। अच्छा ये चला गया, मुझे तो मैं करूंगा। नहीं इसको प्रेशर चाहिए होता है। वो ठंडा हो गया। अच्छे गाइस तरफ भी हस्बे जरूरत डालनी थी, ज्यादा नहीं डालनी थी। मिल्क कितना है? 120 ml स्टैंडर्ड फॉर ऑल माय ड्रिंक्स। इधर लेयर्स दिखाओ, इसकी लेयर्स। फीलिंग आ रही है ओके, अच्छी नहीं होगी, थोड़ी फ्लॉप होगी। नहीं सही होगी, चीनी कितनी डाली थी? 20 ml। नहीं सही होगी, अगर चीनी मिक्स हो गई हो तो सही होगी, अदरवाइज फिर वो मुंह में क्रिच क्रिच ना हो। नहीं ब्राउन शुगर तो क्रिच क्रिच नहीं होती ना? होती है, पाउडर्ड होती है ब्राउन। ओह ओह नाइस, मैं करूंगी ना ट्राई, मैं करता हूं पहले ट्राई, मैं करूंगी ट्राई। तुम्हें तो कड़वी अच्छी लगती है, तुमने अगर बोला अच्छी है तो नहीं यार होगी। नहीं अच्छी, ज्यादा मीठी होगी या तो मिक्स नहीं हुई अभी शुगर, मेबी
नॉट बैड एक्चुअली, थोड़ा बिटरनेस ब्राउन शुगर का अच्छा लग रहा है, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई विद 10 ग्राम शुगर। जी थैंक यू, थैंक यू। यस बुरी नहीं है, नहीं मैं अपनी, नहीं मैं अपनी बना लेती, मैं अपनी बना रहा हूँ। कॉफ़ी तो आपकी अच्छी नहीं बनी, घर के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बनी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हाउस? आई थिंक इट्स स्वीट, पर से डोंट इंसल्ट माय कॉफी। ओके अच्छा बहुत अच्छी है, बेस्ट इन द वर्ल्ड। बताओ हाउस क्या कर रही, हमारी समझ में नहीं आ रही। लाइक हाउस जो है वो जो हमें पसंद आया है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हां और प्लेटें लेनी है इधर दिखाओ, फूल बने हुए और हमारे पास और अभी पहले भी ग्लास है। हाँ ब्रूनो खाना दे के जाना। हाँ मैं दे रहा हूँ, दे रोज मैं ही दे देती हूँ, मुझे बता रखा था, मुझे पता था इसने बाद में आके देना है। अच्छा दे दिए तो? अच्छा बैक टू द टॉपिक, बताएं। तो मैं बोल रही थी कि घर थे तो बहुत प्यारे जो हमें पसंद है, लेकिन बहुत महंगे थे और वर्थ द प्राइस नहीं है। और हमारी चॉकलेट्स मेहमान खाएंगे, ये बस ये यही वाले मेहमान है सारे। हाँ। मैं भी नमाज पढ़ने जाती हूँ हमेशा एक उठा के लाती हूँ। आज दिल कर रहा था मैं तो ये ज्यादा, ये मेरी सबसे मजे की। हाँ। ये बिस्किट बिस्किट वाली है तो आपको अच्छी भी लगेगी। प्राइस तो थे नहीं थे, अगर हम लोग खींच तान के पैसे जमा करके सारी अपनी इनकम लगा के ले भी लेते हैं घर जो पसंद है, तो फिर भी वो ऑप्टिमम नहीं। वो जो डीएचए वाले देखते थे लाइक उसमें इतनी ज्यादा चेंजेस हैं जो हम फिर भी करवाना चाहेंगे, तो फिर तो वर्थ इट। और ऊपर से एक दूसरे कोने में भी जाएं जहाँ पे हम हमें इस जहाँ पे हम रहते हैं दिस इज इस्लामाबाद, तो हमें इस रेडियस से बाहर निकलने में प्रॉब्लम। हमारी मम्मी को तो सबसे ज्यादा है, इनको सेंटोरस अच्छा लगता है, गीगा नहीं अच्छा लगता। गीगा भी अच्छा लगता है, मुझे तो गीगा ज्यादा अच्छा लगता है, सेंटोरस से दूर है। सेंटोरस अच्छा लगता है, छोटा सा है। डीएचए में कौन सी ऐसी चीजें वो ऐसे लगता है वो अलग शहर है, मतलब बुरा तो नहीं है ऐसे, बुरा तो नहीं है लेकिन अलग शहर लगता है। यहाँ पर ऐसे लगता है सब अपने अपने अपना अपना सब कुछ है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी अपना 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 हो जाएगा। है जिंदगी शुरू करने का मजा थोड़ी आता है, हर जगह जाके आप जिंदगी शुरू कर रहे हो उम्र में आते हैं। आपको मजे की बात बताता हूँ, जब हम लाहौर से शिफ्ट हुए थे ना, सो वी ओरिजिनली लाहौर हो गए, तो मैं 100वीं दफा बताऊंगा। हमारी अम्मा ना वो गाना था भुला दो वो बातें पुरानी, हमारी अम्मा वो गाना सुन के रोती थी, क्या मुझे लाहौर याद आ रहा है, आंसुओं से रोती थी। हम अभी उनका इतना मजाक उड़ाते हैं इस बात पे, अब नहीं आता था लाहौर, लाहौर चले शिफ्ट हो जाए। लाहौर मुझे अब भी अच्छा लगता है बहुत, लेकिन अब रहने के लिए ना यहाँ से अच्छी जगह कोई भी नहीं। अम्मा को सिर्फ लाहौर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि लाहौर में नमूद आंटी है, उसके अलावा अगर पूछूं ना कि नमूद आंटी कल को शिफ्ट हो जाए, अम्मा लाहौर नहीं जाएंगे। कोई रीजन है फिर लाहौर जाने का? सही कह रहे हो, कराची नहीं भाई। कराची नहीं जा रही हूँ। इस्लामाबाद में भी देखो अब ये चॉइसेस अल्लाह के डिसीजन में ना मसलियत होती है, तो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई मसलियत है कि डिले भी हो रहा है प्लान, पैसे भी नहीं। ये तो पैसे गिर जाएंगे कहीं से और हम ले लेंगे, और अगर नहीं गिरे तो डिले हो जाएगा प्लान, को ऐसा मसला नहीं है। दुआ करें, दुआ करें, मतलब अब तो वैसे दिल करता है लेने का, दुआओं की गुजारिश। हमें जब भी कुछ चाहिए होता ना, हम अपनी अम्मा को बोलते हैं कि अम्मा जोर से दुआ करें, अर्श से वो फट के वो सारा कुछ आपको मिल जाता है। एक मिनट, एक मिनट, क्या माँ की दुआ जब ज्यादा असर करती है, जब वो बरीजे पे जाती है, जब निशात पे जाती है। तो भाई ऐसी जाके लगती है। नहीं पहले ऐसी दुआ कर लो माँ, वो तो बेटा दुआएं है ही है, लेकिन अगर माँ को दिल ज्यादा खुश हो जाए किसी बात से तो फिर क्या बात है। ये अम्मा खेल रही है हमारे साथ डबल डबल गेम में। हम जरा बाहर जा रहे थे तो अम्मा की थोड़ी सी किटी पार्टी का टाइम हो गया, अम्मा ने बोला कि तुम लोग जा रहे हो तो हमें भी ड्रॉप कर दो। गाड़ी के पीछे ना गाड़ी लगी थी, स्पेस बहुत कम थी, तो अम्मा कहती है गाड़ी मानना नहीं। मतलब गाइस हम बाहर बुली बाद में होना शुरू हुए हैं, पहले हम घर पे बुली होते हैं, गाड़ी मानना नहीं। अगर मुझे चलाने आती मैं निकाल लेती। अच्छा सही बात है। सो गाइस वी फाइनली बैक होम, आपसे मुलाकात होती कल एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।